Hello everyone this is the fourth lecture on chemical bonding and molecular structure and in this lecture we are going to discuss VSEPR theory as you know in previous lecture we have discussed the limitations of octet rule there are so many limitations of octet rule and one of these limitations is that the octet rule is unable to explain the shape of molecule you know that when the atoms combine together to form the molecule what shape that molecule will acquire it cannot be explained with the help of Octet rule, but it can be explained with the help of VSEPR theory. So let's see what does VSEPR theory say. VSEPR theory says that when there are more than two atoms in a molecule, then the valence electrons of central atom will repel each other, and they will adjust themselves in such a way that the repulsion between them becomes minimum. Means. एस नेम सजेस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी तो वैलेंस शेल वैलेंस शेल आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल के तो आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं वैलेंस शेल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होते हैं पेयर्स के फॉर्म में और उनके बीच में क्या होगा रिपल्शन होगा तो इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यह कहता है कि जब भी दो से ज्यादा एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन उसके कौन से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में आपके दोनों आ जाएंगे लोन पेयर्स एज वेल well एज बॉन्ड पेयर्स तो आपको पता है लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आउटरमोशन के उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं लोन पेयर्स और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स तो लेट्स जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है जैसे H2O है तो यहाँ पे एच ओ एच इस तरीके से बॉन्डिंग होगी तो ये क्या कहता है कि अगर तीन या तीन से ज्यादा एटम्स से, हैं तो सेंट्रल एटम कौन होगा सेंट्रल एटम वो एटम होगा जिस पे बाकी के एटम अटैच हैं जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम क्या हो गया सेंट्रल एटम हो गया तो सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपको पता है जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोशन में होते हैं छह इलेक्ट्रॉन सो देर आर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स so, इन आउटर मोशन ऑफ ऑक्सीजन सो इट हैज आर टू लोन पेयर्स एंड टू बॉन्ड पेयर्स तो आपको पहले लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स के बारे में बता दू द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर शेयर बिटवीन टू एटम्स दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स जैसे यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर हो रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर हो रहे हैं सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स दिज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स वाइल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर नॉट बीइंग शेयर्ड मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, विच आर नॉट बीइंग शेयर्ड दिज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे हम केवल किसकी बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम के तो सेंट्रल एटम के जो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स हैं मीन्स मोस्ट मोशल में वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेस हो वो अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होना ऑब्वियस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगा वैलेंसियल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से वो क्या करेंगे एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे और इतनी दूर जाएंगे वो एक दूसरे से इतना डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे वो एक दूसरे से कि उनके बीच में जो रिपल्शन हो वो मिनिमाइज हो जाए क्योंकि रिपल्शन जितना मिनिमम होगा जो मॉलिक्यूल होगा तभी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और यही फैक्टर जो है हमको शेप डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करेगा अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है अबाउट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी दैट इज वी एस सी पी आर सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज दैट वैन देयर आर टू एटम्स वेन देयर आर टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल द शेप विल ऑलवेज बी लीनियर कभी भी अगर दो एटम्स फॉर्म होते हैं दो एटम्स एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उनका जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो कैसा होगा वो हमेशा लीनियर शेप होगा लेट्स सी एन एग्जाम्पल एच तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा वो एक लीनियर शेप फॉर्म करेगा ऑब्वियस है कि लीनियर शेप ही फॉर्म होना है क्योंकि यही बेस्ट तरीका है आमने सामने दो एटम्स आएंगे और एक लीनियर शेप तो ये बहुत सिंपली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो सिमिलरली एच एच आर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और क्लोरिन मॉलिक्यूल सी एल सी एल सो यहां पे कोई सेंट्रल एटम है नहीं क्योंकि दो ही एटम्स हैं तो शेप विल ऑलवेज बी लीनियर नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन मीन्स रिपल्शन कितना होगा फॉर एग्जाम्पल देर आर लोन पेयर एंड देर आर बॉन्ड पेयर्स सो द लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर एंड लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन विल भी मैक्सिमम देन द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्डपेयर एंड देर विल भी मिनिमम रिपल्शन बिटवीन बॉन्डपेयर एंड so ये कह रहा है कि अगर दो लोन पेयर्स हैं तो दो लोन पेयर्स के बीच में जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में थोड़ा कम रिपल्शन होगा और दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन सबसे कम होगा तो अगर हम रिपल्शन रिपल्शन की बात करें कि, कि किस किस में कितना ज्यादा रिपल्शन होता है तो यहां पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन में ये दो ये एक लोन पेयर है ये एक लोन पेयर है आप देख सकते हो और यहाँ पे ये दो बॉन्ड पेयर्स भी फॉर्म कर रहा है तो ये कहना चाह रहा है कि लोन पेयर लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा मतलब इन दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा और रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर भागेंगे उसी तरीके से ये जो लोन पेयर मतलब इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में या इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में या इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा वो इससे कम होगा किससे जो इन दोनों लोन पेयर्स में हो रहा था वो भी काफी होगा लेकिन इनसे कम होगा और सबसे कम जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा बॉन्ड पेयर्स के बीच में मतलब तो इन दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन सबसे कम होगा तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं भागेंगे जितना ये दो लोन पेयर्स भागेंगे तो ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कम क्यों होता है और बॉन्ड पेयर्स बॉन्ड पेयर्स के बीच में और कम क्यों होता है तो आपको पता है जो लोन पेयर्स होते हैं वे विद इन द एटम होते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जबकि बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्योंकि दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं वैसे ही इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर्स तो लोन पेयर्स ज्यादा क्लोज होते हैं तो इसीलिए उनके बीच में रिपल्शन भी ज्यादा होता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोन पेयर्स लोन पेयर्स हैव मैक्सिमम रिपल्शन देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर्स हैव मिनिमम रिपल्शन क्योंकि इसी की हेल्प से आप आगे जाके जो शेप है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो उसका पता कर सकते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे होगा तो ये दो पॉइंट्स ये जो दो पॉइंट्स हैं पहली चीज कि जो रिपल्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो लोन पेयर लोन पेयर में सबसे ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और फिर सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में और जो दो एटम्स होंगे वो हमेशा लीनियर ही शेप फॉर्म करेंगे और जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वीएससी पी आर थेरी के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं किसके सेंट्रल एटम के वो अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे वो एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे कि रिपल्शन को मिनिमाइज कर सकें सो लेट्स सी हाउ डज इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स तो अब हम तीन ऐटम्स वाले क्योंकि दो एटम्स का तो आपको पता चल गया हमेशा लीनियर शेप होता है अगर तीन या तीन से ज्यादा एटम्स होते हैं तो वहां पर क्या होता है सो लेट्स सी पहले हम बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स की जिनमें केवल और केवल बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं सेंट्रल एटम के पास तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कैसे उनका शेप पता कर सकते हैं सो लेट्स सी एग्जांपल फर्स्ट इज ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल्स टाइप ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल्स मीन्स ए बी टू मीन्स एक ए आइटम होगा और एक बी के एटम्स होंगे तो बी के दो एटम्स होंगे और ए का केवल और केवल यहां पे एक ही आइटम होगा सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल लाइक BeCl2 टू दैट इज बैरीलियम क्लोराइड तो बैरीलीम का क्लोराइड का आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि बैरीलियम क्लोराइड में क्या होता है BeCl2 होता है और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सेंट्रल आइटम होगा सेंट्रल आइटम यहाँ पे जैसे B होता है BE होता है जैसे यहाँ पे अगर AB2 बी टाइप होगा तो यहाँ पे A सेंट्रल आइटम होगा तो बेरीलियम क्लोराइड में बैरिलियम क्या होगा सेंट्रल आइटम होगा सो यू नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ बैरिलियम इज वन एस टू टू एस टू आउटर मोस्ट शेल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये बेरिलियम जो है दो क्लोरीन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा ये एक बॉन्ड फॉर्म करेगा अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास केवल दो बॉन्ड पेयर्स हैं देयर इज नो लॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली टू बॉन्ड पेयर्स देयर और अब वी एस सी पी आर थ्योरी को यूज कीजिए कि ये जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इतना रिपेल करेंगे कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो अब ये दो बॉन्ड पेयर्स जो हैं ये ऐसे भी हो सकते थे राइट कि ये बेरिलियम यहाँ पे है यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे है लेकिन अगेन वी एस सी पी आर थेरी को हमको यूज करना है ये क्या कहती है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनके बीच में होगा रिपल्शन और रिपल्शन होगा तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर जाएंगे तो क्या होगा बेस्ट तरीका क्या है एक दूसरे से सबसे दूर रहने का वो ये है कि एक अगर इस तरफ है तो दूसरा उस तरफ हो दोनों के बीच में जो एंगल हो वो मैक्सिमम हो जितना ज़्यादा एंगल होगा बॉन्ड्स एक दूसरे से उतना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हैं सो दिस इज हाउ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड सो वट शेप इज दिस दिस इज लीनियर शेप तो यहाँ पे होगा कौन सा शेप फॉर्म दैट इज लीनियर शेप सो इट इज लीनियर तो एक लाइन line है लीनियर शेप ये फॉर्म कर रहा है तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स लीनियर शेप कैसे फॉर्म करते हैं लेट्स सी ए बी थ्री टाइप अगर हम ए बी थ्री टाइप के देख रहे हैं तो ए बी थ्री टाइप का यू कैन हैव द एग्जांपल ऑफ ए बी थ्री टाइप लाइक बी एफ थ्री दैट इज बोरॉन फ्लोराइड सो बी एफ थ्री इज ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल सो बी एफ थ्री इज गोइंग टू फॉर्म ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल सो लेट्स सी हाउ बी एफ थ्री इज गोइंग टू फॉर्म ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल तो बी एफ थ्री जो बोरॉन एटम है देयर इज वन बोरॉन एटम और यहां पे तीन हमारे पास क्या है फ्लोरिन के एटम्स हैं तो so जो बोरॉन का एटम होगा इट इज सराउंडेड बाय थ्री फ्लोरिन एटम एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोशन ऑफ बोरॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज वन एस टू टू एस टू टू पी वन टू एस टू और टू पी वन दो एस तो ऑर्बिटल होते हैं तो ये क्या करेगा एक फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा और तीसरा भी फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा तो यहां पे भी आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम जो होता है उसके पास केवल और केवल क्या है यहां पे बॉन्ड पेयर्स हैं उसके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं लेकिन बॉन्ड पेयर्स भी जो होंगे वो बॉन्ड पेयर्स अपने आपको किस हिसाब से एडजस्ट करेंगे ये तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स कि वो एक दूसरे से दूर रहें ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो सके मिनिमाइज हो सके तो दूर रहने का बेस्ट क्या है कि उनके बीच का एंगल क्या हो मैक्सिमम हो तो ये दोनों के बीच का एंगल है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे टोटल आपको पता है टोटल जो सम होता है एंगल्स का वो कितना हो सकता है दैट इज 360. सिक्सटी सो द एंगल वुड बी 120 डिग्री 120 डिग्री एंड 120 डिग्री तो so, इस तरीके से 120 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा एंड द शेप दिस शेप इज कॉल्ड आपको दिख रहा है कि ये जो शेप है ये हमको एक ही प्लेन पे मिल रहा है इस जो बोर्ड है इस बोर्ड के प्लेन पे ही मिल रहा है तो ये शेप हमको सेम प्लेन पे मिलेगा सो so, ये एक प्लेनर शेप है और कैसा है अगर आप जो सेंट्रल एटम है उसको छोड़ दीजिए जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड बाकी के एटम है अगर आप उनको ज्वाइन करो मान लेते हैं हम उसको ज्वाइन करते हैं तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो क्या होगा देखिए इनको ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा एक ट्राइंगल का शेप और ट्राइंगल भी कैसा आपको एक इक्विलेटर ट्राइंगल मिलेगा तो इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर शेप दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर प्लेनर शेप तो ध्यान रखिए इस टाइप में आपको जनरली ट्राइंगुलर प्लेनर शेप देखने को मिल जाएगा तो ये था आपका ए बी थ्री टाइप लेट्स ए बी फोर टाइप तो बी फोर टाइप में हमारे पास क्या आता है ए बी फोर टाइप ए बी फोर टाइप में हमारे पास आता है सी एच फोर दैट इज़ मीथेन और यू कैन यूज सी सी एल फोर तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होना चाहिए तो अगेन कार्बन एटम के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू टू एस टू टू पी टू मतलब दो एस में होंगे और दो टूपी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल चार इलेक्ट्रॉन शेल में नाउ चारों इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा एक इस हाइड्रोजन के साथ 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 नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग शेप इस शेप के बारे में आप थोड़ा समझिए दिस शेप इज टेट्राहेड्रल इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप इट इज फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल शेप अब ये टेट्राहेड्रल शेप क्या होता है और क्यों फॉर्म होता है देखिए आपको बताया गया है कि जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा जो बॉन्ड पेयर्स होंगे क्योंकि यहां पे लोन पेयर्स तो है नहीं वो अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे रिपल्शन के बीच में मैक्सिमम होगा और वो अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो मिनिमम हो तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने के लिए उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होना चाहिए मैक्सिमम होगा अब आपको शायद यहां पे ये लग रहा होगा कि इनके बीच में जो एंगल है यहां पे 120 था तो यहाँ पे यहां पे 180 था यहां पे 120 था तो यहां पे 90 हो जाना चाहिए तो आपके दिमाग में शायद ये शेप चल रहा होगा सी एच 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 और एच और यहां पर आपको लग रहा होगा दिस इज द मैक्सिमम एंगल और मैक्सिमम एंगल क्या होगा नाइन्टी डिग्री होगा बस आपको यही गलती नहीं करनी है आप हमेशा टू में सोचते हो और इस वजह से प्रॉब्लम होती है तो जब भी हम टेट्राहेड्रल शेप की बात कर रहे हैं तो ये शेप आपको देखने में अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल शेप है तो हम एक थ्री डायमेंशनल शेप की हेल्प से आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एंगल आपको पता है अगर आप इस तरीके से टू डायमेंशन में सोचोगे ना तो ये एंगल जो आएगा दैट वुड बी 90 डिग्री ये 90 डिग्री ही होगा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं हो सकता लेकिन क्या अगर हम थ्री डी में रहते हैं तो थ्री डी शेप एक्वायर करके क्या नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा एंगल पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है तो उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ ये टेट्रा शेप क्या है उसका एक एग्जाम्पल है तो ये टेटरा शेप एक्चुअल में फॉर्म कैसे होता है तो उसको मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास क्या है ये क्या है तीन अलग अलग या चार अलग अलग मेरे पास मार्कर्स हैं और ये जो मार्कर्स को मैंने चारों को ज्वाइन कर लिया ये जो शेप है ये जो सेंटर है इसका यहाँ पे कार्बन आइटम अटैच है वी हैव कार्बन आइटम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चार हाइड्रोजन एटम है तो आपके लिए जो शेप होगा जैसे आपने ट्राईपोड देखा होगा ट्राईपोर्ड उसी तरीके का कुछ शेप है तो कुछ इस तरीके का ये शेप एक्वायर करेगा तो आप देख सकते हो दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री दिस एंगल इज़ ऑल्सो मोर देन 90 डिग्री इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा ये भी क्या होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो इनके बीच का जो एंगल फॉर्म होगा दिस इज ऑल्सो मोर देन 90 डिग्री और इनके बीच का सारे एंगल्स क्या होंगे मोर देन 90 डिग्री फॉर्म हो जाएंगे तो ये जो टट्रा हेडल शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है आप देख सकते हो ये टेटरा हेडल शेप जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा तो इस टटरा हेडल शेप में आपके जो एंगल्स होते हैं वो नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस टेट्राहेड्रल हेडल शेप में ये थ्री डायमेंशनल शेप है इसको आप प्लेन पे इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते आप देख सकते हो अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा वन टू ये प्लेन से बाहर निकल जाएगा और ये प्लेन के अंदर चला जाएगा ये वाला जो बॉन्ड है पीछे वाला हाइड्रोजन ये प्लेन के अंदर चला जाएगा और ये वाला जो अगर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन और कार्बन अगर इन तीनों को मैं सेम प्लेन पे रखूं तो ये वाला प्लेन से बाहर आ जाएगा और ये वाला जो है वो प्लेन के अंदर चला जाएगा इस तरफ आ जा रहा है और अगर मैं दूसरी की कोशिश करूं दूसरे में अगर मैं कोशिश करूं इन दोनों को मैं सेम प्लेन पर रखने की कोशिश करूँ तो ये वाला जो है वो प्लेन से बाहर आ जाएगा इस तरफ ये बाहर की तरफ निकल रहा है और ये अंदर की तरफ आ जाएगा ये दूसरा वाला तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इस टेट्राहेड्रल शेप को जैसे ट्राईपॉड होता है बिल्कुल वैसी उसके सेंटर पर कार्बन एटम है यहाँ पे कार्बन एटम हो गया आपका सेंटर पे और इधर बाकी जो उसके बेसिस होते हैं एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे और एक हाइड्रोजन एटम ऊपर तो ये थ्री डायमेंशनल शेप होता है तो यहां पे आपको यही चीज समझनी है कि ये जो शेप होगा वो वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल नहीं होगा वो थ्री डायमेंशनल शेप होगा तो इसीलिए जो एंगल होता है यहाँ पे द एंगल इज हंड्रेड एंड नाइन डिग्री यहाँ पे हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट फाइव डिग्री के आसपास का एंगल बनता है और ये मैक्सिमम एंगल ये नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा हमको एंगल मिल रहा है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दिस इज नॉट अ टू डायमेंशनल शेप सो सी एच फोर वेन एवर देयर आर फोर बॉन्ड पेयर्स ओनली इट विल ऑलवेज एक्वायर अ टेट्राहेड्रल शेप सो दिस इज ऑल्सो हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट फाइव डिग्री दिस एंड दिस तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को अगर मैं इसको और इसको दोनों को मैं इस प्लेन पे मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा ये ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो अंदर की तरफ होगा वो उस तरफ होगा तो उसको मैं डॉट से शो कर लेता हूँ या मैं रेड से शो कर लेता हूँ ये जो रेड वाला है वो अंदर की तरफ है और ये वाला जो है ये बाहर की तरफ है इसको भी मैं रेड से शो कर लेता इसको मैं डार्क से शो कर लेता हूँ तो ये वाला जो बाहर की तरफ है तो ये दोनों जो होंगे एक हाइड्रोजन एटम इस प्लेन से अंदर होगा दूसरा बाहर होगा तो दिस इज अ थ्री डायमेंशनल शेप दैट यू हैव टू नो अबाउट तो ये है आपका टेट्रा हेडल स्ट्रक्चर आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर नाउ इफ देयर इज ए बी फाइव टाइप मॉलिक्यूल इन ए बी फाइव टाइप अभी तक यहाँ पे आपने एक चीज देखी यहां पर अभी तक एक भी लोन पेयर नहीं आया सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स है तो बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन सबसे कम होता है और ऑब्वियसली सब में क्या होगा क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर्स हैं तो रिपल्शन लगभग सेम होता है तो ए बी टाइप की अगर हम बात करें सो so,

जो बॉन्ड पेयर है उनको इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम और रिपल्शन मिनिमम कब होगा जब बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा हो सके वो हो तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कैसे हो सकता है तो यहां पे क्या करेंगे हम देर इज फॉस्फोरस नाउ देयर इज क्लोरिन देर इज क्लोरिन देर इज क्लोरिन तीन क्लोरीन एटम को हम रखेंगे सेम प्लेन पे सी देयर आर थ्री क्लोरीन एटम्स सो देयर विल बी वन ट्वेंटी डिग्री 120 डिग्री एंड 120 डिग्री यहां पे अगर आप इस टेट्राहेड्रल शेप की बात करेंगे और यहां पे अगर आप इन बॉन्ड्स को ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हो ये बॉन्ड जब ज्वाइन होंगे केवल हाइड्रोजन सेंट्रल एटम को नहीं ज्वाइन करने तो ये कुछ इस तरीके का शेप एक्वायर करेंगे और इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप ये जो शेप है इस शेप को हम कहते हैं आप देख सकते हो ये जो शेप है ये बन रहा है एक टेट्राहेड्रल तो इस तरीके का आप देख सकते हो जैसा एक पिरामिड होता है उसका ट्राइंगुलर बेस है और जो ट्राइंगुलर बेस है वो इक्विलेटर ट्राइंगल होगा सारे सारे के सारे इसमें इक्विलेटर होंगे इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल तो ये शेप फॉर्म करेगा और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल कहते हैं अब यहां पे देखिए यहां पे क्या होता है वन टू थ्री देर आर थ्री बॉन्ड्स तीन बॉन्ड हैं जो कि सेम प्लेन पे होंगे बाकी के दो बॉन्ड्स कैसे होंगे तो आपको यहां पे अगेन क्योंकि तीन तक तो ठीक था वहां पे हमको टू डायमेंशनल फिगर मिल रहे थे अब इनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहां पे आपको क्या मिल गया एक थ्री डायमेंशनल फिगर मिल गया और यहां पे आपको अगेन एक थ्री डायमेंशनल फिगर मिलेगा तो जैसे ही टाटा मिलता है उसके बाद ए वी फोर ए वी फाइव ए वी सिक्स टाइप के जो होते हैं उन सब में आपको एक थ्री डायमेंशनल फिगर मिलेगा तो आपको पता है देयर आर थ्री बॉन्ड्स थ्री बॉन्ड्स लाई इन द सेम प्लेन ये तीन बॉन्ड्स सेम प्लेन में लाई करते हैं नाउ व्हाट अबाउट अदर टू बॉन्ड्स क्योंकि पी सी एल फाइव है तो PCl5 के बाकी के दो बॉन्ड्स कैसे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है वन बॉन्ड विल बी अब प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन तो इधर को होगा बाहर की तरफ इस प्लेन से बाहर की तरफ एंड अदर बॉन्ड विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन तो एक बॉन्ड तो बाहर की तरफ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और दूसरा बॉन्ड क्या है अंदर की तरफ है वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगेन ऑब्वियसली यहाँ पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इसको तो बाहर और अंदर की जगह में जो बाहर वाला जो बॉन्ड है उसको मैं क्या करता हूँ ऊपर की तरफ शो कर लेता हूँ दिस इज अवे फ्रॉम द प्लेन ध्यान रखना दिस इज अवे फ्रॉम द प्लेन और ये जो अंदर वाला प्लेन है जो अंदर वाला जो बॉन्ड होगा पी इसके साथ यहाँ पे एक सी एल होगा और यहाँ पे एक सी एल होगा दिस इज ये क्या होगा टर्ड्स द प्लेन ये अंदर की तरफ होगा प्लेन के तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है ना वट काइंड ऑफ शेप इज दिस तो आप एक चीज देखिए यहां पे एक बेस बन रहा है क्योंकि 120, 120, 120 ट्वेंटी वन ट्वेंटी तीनों वन ट्वेंटी डिग्री के एंगल है तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे लेट्स ज्वाइन दैम तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ लेट्स ज्वाइन दैम तो यहां पे अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो जो इसका बेस है बेस कैसा बनेगा बेस बनेगा इसका एक ट्राइंगल ऐसा ट्रायंगल इक्विलेटर ट्राइंगल क्योंकि आप देख सकते हो सेम एंगल पे हैं तो तीनों जो साइड्स होंगे वो सेम होंगी तो बेस बनेगा इसका एक इक्विलेटर ट्रायंगल नाउ व्हाट अबाउट दीज बॉन्ड्स तो अगर आप बेस के साथ क्योंकि हम क्या कर रहे हैं केवल बाकी के एटम जो सेंट्रल एटम से लिंक्ड एटम्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्लोरिन है क्लोरिन को भी ज्वाइन करो तो ये ऊपर वाला क्लोरिन होगा ये ऊपर वाला क्लोरिन होगा और इसको भी इसके साथ ज्वाइन करो तो यहां पे आप देख सकते हो लगभग कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये इसकी तरह सिमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि आप पे आप देख सकते हो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है उस समय सब में हंड्रेड डिग्री का एंगल बन रहा था हंड्रेड डिग्री का तो यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं होंगे तो ये बन गया एक पिरामिड शेप राइट अगेन लेकिन नीचे वाले के साथ भी हमको इसको ज्वाइन करना है तो इसके साथ भी अगर आप इसको ज्वाइन करोगे नीचे की तरफ भी एक पिरामिड बनेगा तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ अगर आप देखिए इन तीनों के साथ इनको ज्वाइन कर दो तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ बनेगा और सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी ज्वाइन करोगे तो दूसरा पिरामिड उस तरफ बनेगा तो इस शेप को हम क्या कहते हैं इस शेप को हम कहते हैं इसका बेस कैसा है देखिए इसका बेस है ट्राइंगुलर ट्राइंगल की शेप में तो इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर बाई या ट्राइगोनल बाई क्या कहते हैं हम इसको ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप बाय पिरामिडल शेप तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ये किस तरीके से इस शेप का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है लेट्स सी वन मोर एग्जांपल दैट इज ए बी सिक्स टाइप अगर ए बी सिक्स टाइप आपके पास मॉलिक्यूल होते हैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज एस एफ सिक्स मॉलिक्यूल एस दैट इज सल्फर सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सल्फर वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फोर थ्री एस टू एंड थ्री पी फोर ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोशन में सिक्स तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सिक्स फ्लोरीन एटम्स के साथ उनको शेयर करेगा तो कैसे करेगा यहां पे देखिए अगेन हमको रूल ध्यान रखना है रूल क्या है कि बॉन्ड पे इस तरीके से अरेंज होने चाहिए कि रिपल्शन जो हो मिनिमम हो जाए और मिनिमम कब होगा जब बॉन्ड एंगल्स या उनके बीच का जो एंगल होगा वो मैक्सिमम होगा तो दिस इज द सिंपलेस्ट तो यहां पे क्या होता है एस हेयर वी हैव एफ 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 तो यहाँ पे जो चार फ्लोरीन एटम्स होंगे इनके बीच में होगा 90 डिग्री एंगल ऑल आर एट 90, 90, 90 एंड 90. सो दे हैव 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम और चारों के चारों सेम प्लेन पे हैं यहाँ पे छः हैं तो चारों सेम प्लेन हैं 90 डिग्री के एंगल के साथ और बाकी के जो दो बचेंगे, बाकी के जो दो बचेंगे उनके बीच में वो एक अब द प्लेन होगा अगेन मैंने जैसे कि बोला था यहां पे थ्री डायमेंशनल फिगर तो चार फ्लोरिन आइटम तो सेम प्लेन पे हैं एक फ्लोरिन आइटम इधर को होगा और दूसरा फ्लोरिन आइटम पीछे की तरफ होगा तो इस तरीके से ये अरेंज होंगे तो आप देख सकते हो अगर मैं एक फ्लोरिन आइटम जो ऊपर वाला है जो आगे की तरफ है उसको मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूं और जो पीछे की तरफ फ्लोरिन आइटम होगा उसको मैं डाउनवर्ड्स बना रहा हूं तो आप यहां पे देख सकते हो दिस इज द स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड ऑक्टा स्ट्रक्चर तो ये ऑक्टा स्ट्रक्चर होगा आपका तो इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर अगेन इसको ज्वाइन करेंगे अगर आप तो मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा आप देख सकते हो एक बेस मिलेगा आपको जैसे पिरामिड बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए एक पिरामिड टाइप का मिलेगा आपको और सेम डाउनवर्ड्स भी मिलेगा इस बेस से अगर आप इसको ज्वाइन करो तो डाउनवर्ड्स पे एक पिरामिड बनेगा इसको हम कहते हैं ऑक्टा हेड्रल स्ट्रक्चर तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि यह स्ट्रक्चर कैसे बनता है अब हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स पेयर्स दोनों दिस इज अमोनिया सो अमोनिया व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमोनिया दैट इज वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री आउटर मोशन हैजाइव इलेक्ट्रॉन तो फाइव इलेक्ट्रॉन्स में से नाइट्रोजन क्या करेगा वन बॉन्ड विद हाइड्रोजन अदर बॉन्ड विद हाइड्रोजन थर्ड बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दिस इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करोगे तो so, अगर आप सी एच फोर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सी एच फोर का स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है इस स्ट्रक्चर से राइट सी एच फोर का जो स्ट्रक्चर होता था वो कुछ इस तरीके से होता था कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन तो सी एच फोर का जो स्ट्रक्चर होता था वो कुछ इस तरीके से होता था और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता था राइट बस यहाँ पे सी एच फोर में देर आर ऑल बॉन्ड पेयर्स बट इन दिस केस देर आर थ्री लोन पेयर्स एंड वन बॉन्ड पेयर तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि इस केस में चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं इसमें एक लोन पेयर और तीन पेयर्स हैं अब डिफरेंस क्या आएगा इसकी वजह से अब प्रॉब्लम क्या होगी इसकी वजह से तो देखिए एक सिंपल प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से आपको पता है कि जो रिपल्शन होता है वो डिफरेंट होता है मीन्स लोन पेयर्स के बीच का जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर और सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में होता है यहाँ पर चारों बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो जो रिपल्शन होगा वो सेम होगा क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं बट इन दिस केस वी हैव वन लोन पेयर तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा मतलब इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा और जो ये बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच में रिपल्शन थोड़ा कम होगा तो इनके बीच में अगर रिपल्शन थोड़ा कम होगा तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे एज कम्पेयर टू दिस केस इस केस में क्या था चारों के बीच में रिपल्शन बराबर हो रहा था इस समय ये इनको ज़्यादा रिपेल कर रहा है तो क्या करेंगे एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे इससे दूर भागेंगे तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है कम हो जाता है पहले कितना था हंड्रेड एंड नाइन डिग्री एंड इन दिस केस द बॉन्ड एंगल इज अबाउट हंड्रेड एंड सेवन डिग्री तो दिस इज द डिफरेंस वेन देअर इज अ लोन पेयर तो शेप जो होगा दिस शेप इज लाइक अ पिरामिड शेप सो दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल शेप ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल बिकॉज इट हैजुलर बेस ट्राइंगल जैसा इसका बेस है और एक पिरामिड फॉर्म कर रहा है एक्चुअली ये भी एक पिरामिड ही फॉर्म करता है लेकिन ये क्या है एक सिमेट्रिकल पिरामिड है उसके सब तरफ से ये एक जैसा होता है तो इसको हम एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं दैट इज टाइडल बट इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर तो ये इस तरीके से जस्ट आप पिरामिडल भी बोलोगे तो भी चलेगा तो ट्राइगोनल ये फॉर्म करता है द नेक्स्ट वन इज एच टू वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज वन एस टू टू एस टू टू पी फोर टू एस टू टू पी फोर फोर इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल्स टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन उटर मोशल तो टोटल जो ऑक्सीजन में होते हैं छह इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन वियर हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन वन मोर इलेक्ट्रॉन विद अदर हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन आइटम के साथ वो दो इलेक्ट्रॉन्स को तो शेयर कर लेते हैं नाउ इट है टू मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो बाकी के जो चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो इलेक्ट्रॉन तो उसने हाइड्रोजन आइटम्स के साथ शेयर कर लिए तो देर आर टू बॉन्ड पेयर्स और बाकी के जो दो होंगे दीज आर टू लोन पेयर्स तो अगर आप ध्यान से देखोगे सो दिस कंडीशन इज क्वाइट सिमिलर यहाँ पे यह जो कंडीशन है काफी सिमिलर है किससे एन एस थ्री से तो यहाँ पे देखिये चारों के चारों क्या थे बॉन्ड पेयर्स पे एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड है, पेयर है। तो तो हैं बॉन्डपेयर है मॉलिक्यूल का तो शेप लगभग वैसा ही रहेगा तो देखिए यहाँ पे क्या है रिपल्शन रिपल्शन क्या होता है लोन पेयर्स के बीच में सबसे ज्यादा होता है सो देयर विल बी अ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन दिस टू लोन पेयर्स तो इन दो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा अगर मैं बात करूं इन लोन पेयर्स और इन बॉन्ड पेयर्स के बीच में तो वो भी क्या होगा काफी ज्यादा होगा तो क्या करेंगे ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को काफी ज्यादा रिपेल करेंगे पहले तो सबसे ज्यादा एक दूसरे को करेंगे और उसके बाद इन बॉन्ड पेयर्स को भी बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे लेकिन ये बॉन्ड पेयर्स दो दोनों हैं वो एक दूसरे को बहुत कम रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाएंगे एज कंपेयर टू दिस इससे भी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे क्यों क्योंकि उस समय एक ही लोन पेयर उनको अपने से दूर भगा रहा था अब यहाँ पे दो दो लोन पेयर्स आ जाएंगे तो ये अब दो बॉन्ड पेयर्स जो हैं और क्लोज आ जाएंगे सो बॉन्ड एंगल विल बी अबाउट 104.5 डिग्री तो लगभग इतने का बॉन्ड एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है अगेन जो शेप होगा वो एक ट्रा हेडल को अगर आप उनकी उसकी जो अलग अलग फेसेस हैं उनको अगर अनिवन कर दो तो उस तरीके का आपको शेप मिलेगा अगेन यू विल हैव ट्राइगोनल पिरामिडल शेप सो दिस इज द

तो अगर हम एस एफ फोर की बात करें तो यहां पे क्या होगा देखिए सल्फर ओके यहां पे चार फ्लोरीन फ्लोर के साथ ये सल्फर जो है वो अटैच होगा फ्लोरीन फ्लोरीन के के साथ चार के साथ चार so, सो और क्योंकि आपको पता है छ इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रह जाएगा चार इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर लेगा तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया इसका तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज रह गया इसका और बाकी के जो फ्लोरीन एटम्स होंगे तो ये कुछ पी फाइव टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है लेकिन ये वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा कुछ उसी तरीके का है लेकिन काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है इस समय एक लोन पेयर है तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगा किसके बीच में इन दोनों के बीच में मीन्स ये जो लोन पेयर है इन बॉन्ड पेयर्स को थोड़ा ज़्यादा रिपेल करेगा तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा किसके जैसा सीसो जैसा जैसा सीसो होता है तो दिस इज कॉल्ड सी सो शेप सी सो के जैसा ये शेप फॉर्म करता है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं सी सो शेप भी कहते हैं तो होप कि यू हैव अंडरस्टूड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इस तरीके से ये जो बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी है काफ़ी हेल्प करती है हमको जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर समझने में उनका शेप समझने में नाउ देयर इज वन लिमिटेशन ऑफ वी एस सी पी आर थेरी दैट इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका शेप बताने में क्योंकि उनके थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं तो उनका शेप वैलेंसल इलेक्ट्रॉन पे रिपलशन थेरी मीन्स वी एस सी पी आर थेरी के से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो कुछ कंपाउंड देर आर सो मैनी कंपाउंड्स इन विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप विद द हेल्प ऑफ वी एस सी पी आर थेरी तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वीएससी पी आर थेरी में सो दिस इज द लिमिटेशन विद वी एस सी पी आर थेरी एंड देन टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम वी हैव टू स्टडी वन मोर थियोरी सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वन मोर थेरीट इज वैलेंस बॉन्ड थियोरी सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर इफ यू हैव एनी क्वारीज यू कैन आस्क यू वेरी मच